सागर का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र के मजला प्राथमिक सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक मुन्ना लाल शाहू ने हद तब पार कर दी जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जगह किराए के टीचर को लगा दिया। जहां एक तरफ सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की जगह सरकार से मोटी तनख्वाह लेकर घूमने फिरने में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और खुद की जगह प्राइवेट टीचर को बच्चों को पढ़ाने का ये काम सौंप दिया है। बता दें कि सागर जिले के मजला प्राथमिक शाला में दो शिक्षक पदस्थ हैं, जिनमें से एक शिक्षक की ड्यूटी मजगुबा ग्राम पंचायत के स्कूल में लगा दी गई थी और बाकी जो एक शिक्षक हैं वे मुन्ना लाल साहू हैं, जो कि सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए स्कूल आते हैं, न कि बच्चों को पढ़ाने के लिए। वहीं उन्होंने अपनी तरफ से एक किराए के टीचर जो कि गांव के किसी युवक को पढ़ाने के लिए लगाया हुआ है। इस मामले को लेकर वहां जिस किसी से भी बात की गई उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। बता दें कि मजला ग्राम के ही निवासी कैलाश कुर्मी उर्फ किराए के टीचर का कहना है कि स्कूल के जो टीचर मुन्ना लाल साहू हैं वो लेट आते हैं, इसलिए उनका कहना है कि स्कूल समय पर खोल लिया करें और काम किया करें। वो शिक्षक जो साहू जी हैं वो कभी कभार लेट हो जाते तो वो बोलते हैं कि आप टाइम पे स्कूल खोल लेना, टाइम पे बंद निकल लेना और हम आ जाएंगे। इस मामले को लेकर पंचायत सरपंच से बात की गई तो कहना यह है कि स्कूल के हालात काफी बुरे हैं, स्कूल में टीचर की कमी है और जो टीचर हैं वो भी कभी कभी ही आते हैं, जिनका कोई समय नहीं होता है। कारण होगा बिल्डर है लोगों जो यहाँ जो प्राथमिक शाला है इसमें कितने शिक्षक पदस्थ हैं? प्राथमिक शाला में शिक्षक दो। तो यहाँ अभी ऐसा बताया जा रहा है कि एक शिक्षक की ड्यूटी लगी है, जो एक बाकी शिक्षक है वो कभी कभार शाला के लिए आते हैं। साहू जी जो हमें सुनते हैं जितना सहते हैं भाई आएंगे कल मैडम ड्यूटी पर, तो दो या तीन बजे आऊंगे, चार बजे चले जाएंगे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि यह मामला मीडिया के जरिए संज्ञान में आया है, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मामले की जैसा आपके द्वारा ही ये संज्ञान में लाया गया है और इस आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मंजला हाई स्कूल मंजला माध्यमिक शाला की जाँच हेतु विकासखंड शिक्षा अधिकारी और एक्सलेंस स्कूल के प्रिंसिपल दोनों की एक संयुक्त टीम बनाकर वहां की जांच के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जैसी जांच प्रतिवेदन आता है और उसमें जो भी सत्यता पाई जाती है तो उसके अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब मसला ये है कि स्कूलों में खाली पदों के लिए जहाँ एक तरफ हजारों बेरोजगार शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सीएम राइज स्कूल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छे शिक्षक नसीब नहीं हो रहे हैं और जिन्हें ये मौका मिला है वह खुद स्कूल न जाकर अपनी जगह पर किराए का टीचर लगाकर बच्चों के आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ऐसे शिक्षकों पर क्या कार्यवाही की जाएगी।